नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के दिन में हमें क्या पढ़ना है, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के मोशन के चैप्टर में बात करेंगे। ये क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हैं, प्रूफ भी बहुत सारा करना है, तो ये चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अभी आपका नया नया सेशन शुरू हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक चैप्टर के एक एक टॉपिक का वीडियो मिल जाए, जिससे आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये जो मोशन चैप्टर है सर, है ना, ये जो मोशन चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो जब आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। पहला होता है जो मूव करता है, और एक ऐसा होता है जो स्टिल एक ही पोजिशन में होता है। उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये फिजिक्स है क्या, किस भूत का नाम है फिजिक्स। तो इसी को हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, है ना। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। दुनिया में जो भी एक्टिविटी हो रही है, अगर आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके अगर आप उसको प्रूव कर दें तो वो फिजिक्स है, ठीक। तो चलिए मोशन को का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग दो टॉपिक की बात करेंगे, एक तो काम करेंगे रेस्ट पर और दूसरी बात करेंगे मोशन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेस्ट और मोशन है क्या। देखो, रेस्ट का मतलब है कि आपको दो पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि टाइम दो पॉइंट पर लेंगे, तो जैसे पहला टाइम ले लेते हैं हम लोग 1:30 और दूसरा टाइम ले लेते हैं 2:30, ठीक। ये दो टाइम लेना है, यानी टाइम इंटरवल लेना है 1 घंटे का, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले टाइम से दूसरे टाइम के बीच में अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता हो, मतलब जब किसी के पहले पोजीशन को आप देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन को, तो उसको कहा जाता है इनिशियल पोजीशन। इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल पोजीशन। और जब उसको लास्ट टाइम आप देख रहे हैं कहीं पे, सेकेंड या लास्ट टाइम जब आप किसी को देख रहे हैं कहीं पे, तो उसको कहा जाता है फाइनल पोजीशन, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, फाइनल पोजीशन। अब देखो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में है क्या। जैसे मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको पॉइंट ए पर देखे थे आप 1:30 पे, तो ये इसका कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, ठीक। और पॉइंट बी पर इसको हम लोग देखते हैं 2:30 पे, ठीक, 2:30 पे, तो ये पोजीशन इसका कहलाएगा फाइनल पॉइंट। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक। चलिए, इस बेसिक्स समझने के बाद हम लोग बात करते हैं। अब ये देखिए, कार है, इसका इनिशियल पोजीशन अगर ए मान लिया जाए, है ना, और एक टाइम दे दो कि सर इसको हम लोग 1:30 में पॉइंट ए पर देखे हैं और 2:30 पर भी ये पॉइंट ए पर ही है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो कार है वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक। अब बात करते हैं मोशन की, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, रेस्ट को अगर हम डिफाइन करें तो समझते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज नहीं करता हो, है ना, इन द इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। और मोशन कब कहेंगे, जब वो अपना टाइम चेंज करे, यानी अपना पोजीशन चेंज करे। जैसे इस कार को यहाँ पे हम देख रहे हैं कब, जब 1:30 हुआ है तब, ठीक। अगर यही कार मूव करके पॉइंट बी पे चले आए 2:30 में, तो ऐसे स्थिति में इस कार को मोशन में कहा जाएगा, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी मूविंग बॉडी का सबसे कॉमन कैरेक्टर होता है कि वो अपना पोजीशन समय समय पे चेंज करते रहता है, और अपने रिफरेंस पॉइंट के अनुसार। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये रिफरेंस पॉइंट क्या होता है। रिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप कंपेयर करते हैं, है ना, इससे क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जैसे ये मान लेते हैं सन है और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है, सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप अर्थ को मान लीजिए रिफरेंस पॉइंट,
तो सन जो है वो मूव कर रहा है, यानी सन किस में है, मोशन में है। और अगर सन को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो अर्थ मोशन में है। आप कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं तो कार अगर मूव कर रही है और कार आपका रेफरेंस पॉइंट है तो सामने जो दुकान जाता हुआ दिख रहा है वो मोशन में है। और जब आप दुकान के सामने खड़े हो और दुकान को रेफरेंस पॉइंट माने हो तो कार मोशन में होगा। ठीक। अब कोई एनिमल जब मूव करता है तो उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, है ना। द मूवमेंट ऑफ एनी एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ क्वांटिटीज पढ़ने होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम समझे तो वैसी क्वांटिटी जिससे किसी भी चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जाता हो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि द क्वांटिटी विच मे बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके में लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सभी चीजें होती है। अब इसको दो तरीके से और देखते हैं। एक तो होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन दिया रहेगा, है ना। जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर आपको कह दे 5 किलोमीटर ईस्ट, है ना, 5 किलोमीटर हमने पूरब की ओर चलना है, तो ऐसे स्थिति को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें। और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। जैसे आपको दे दिया गया सिर्फ 5 किलोमीटर, है ना, तो आप किधर जाइएगा आपको पता नहीं है। अगर किसी कार का स्पीड हमने दे दिया कि 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसका एग्जांपल होता है लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क। अब देखो, हम लोग तीन को कॉमन मानते हैं। पहले को मानते हैं लेंथ, है ना, दूसरा होता है मास, और तीसरा होता है टाइम। और इसका एक टेबल बना लीजिए आप ऐसे करके। ठीक, इसका टेबल बना लो। अब देखो, सबसे पहला जो सिस्टम है वो आपका है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को केजी में मापते हैं, और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या होगा कि आप लेंथ को फुट में मापोगे, मास को पौंड में मापिएगा, और समय को सेकेंड में मापिएगा। और तीसरा होता है CGS सिस्टम, इसको कहते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को ग्राम में मापते हैं, और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। तो ये एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं MKS सिस्टम, FPS सिस्टम या CGS सिस्टम। MKS सिस्टम को मास किलो सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है, FPS सिस्टम को फुट पॉइंट सेकेंड भी सिस्टम भी कहा जाता है, और CGS को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो चीज पढ़ना है, एक तो होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया हो। जैसे यहां पे देखो कि यहां पे एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, है ना, यहां पे एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। इस साइकिल चला के पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गया, तो ए से बी के बीच में 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, बी से सी के बीच में 3 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा, है ना, जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4 + 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया टोटल एक्चुअल लेंथ जो वो कवर किया है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, है ना, और एक समुद्र की दूरी नापने के लिए न्यूटिकल माइल्स का यूज करते हैं। तो अलग अलग जो डिस्टेंस है उसको अलग अलग मापने का कुछ तरीका हो सकता है, यहाँ पे हमें मीटर और किलोमीटर में लेकर के काम करना है। ठीक,
दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट आपका है जहां से आपने यात्रा शुरू किया था, है ना, इनिशियल, और ये है आपका फाइनल। इसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे है, डिस्प्लेस जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको पता होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल निकल बन रहा है सर, है ना, और ये अगर ए है, ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो ए सी निकालने का फॉर्मूला होता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ये चीज है। अब यहां पे देखना क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने क्या देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखे। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक, जबकि वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया हो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि हमको क्या करना है कि एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करना है। इससे पहले आप देख लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कब जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो कब होगा। देखिए क्या हुआ कि ये आपका डायरेक्शन है, ठीक, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, अब मान लो कि कोई आदमी पहले 3 किलोमीटर चलता है किधर, नॉर्थ के डायरेक्शन में, फिर मूव कर जाता है सर और 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर मूव करता है 3 किलोमीटर चलता है किधर, साउथ के डायरेक्शन में, और फिर मूव करके 3 किलोमीटर चलता है वेस्ट के डायरेक्शन में। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 × 3, ठीक, यानी 12 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो जाएगा 0, जहां से चला था वहीं पे आके खड़ा है, तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे स्थिति में 0 होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक गेंद लिया और उसको ऊपर की ओर उछाला और वो 12 मीटर ऊपर गया, है ना, 12 मीटर ऊपर गया है, और फिर वापस ग्राउंड से आकर के स्ट्राइक किया, ये आपका देखो ग्राउंड है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 + 12 = 24 मीटर, जबकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से चला था अब वहीं पे वो आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब मोशन है सर तो मोशन में और क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने के लिए सबसे आसान चीज है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहां देखिए 0 किलोमीटर था, पॉइंट ए पर 4 किलोमीटर है, पॉइंट बी पर 8 किलोमीटर है, पॉइंट सी पर 12 किलोमीटर है। ये कार 0 से चलना स्टार्ट हुआ था, ठीक, और अभी के समय में ये 12 मीटर के पास है, यानी कि अभी तक ये 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका, जबकि 0 से 4 मीटर आने में इसको 2 सेकंड लगा,
फिर 4 से 8 मीटर आने में इसको 2 सेकंड लगता है, फिर 8 से 12 मीटर आने में 2 सेकंड लगता है। यानी क्या देख रहे हो कि प्रत्येक दो सेकंड में ये 4 किलोमीटर का फासला कर रहा है या 4 मीटर का फासला तय कर रहा है। तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो वैसे को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, जब कोई बॉडी को यूनिफॉर्म कब कहा जा सकता है सर, तो इसको देखिए, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ द इंटरवल इफ ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब देखो यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो वेक्टर है उसमें वेक्टर आपको इतना ही पढ़ना है। एक है कि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर ए बी वेक्टर है तो इसके ए बी के ऊपर में से तीर का निशान दे दो, उसके बाद वेक्टर का एड, वेक्टर का सब्सट्रैक्ट, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन और ये सब जो चीजें हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल थ्योरी ऑफ वेक्टर और ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ वेक्टर, ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, ना कि हायर स्टैंडर्ड के सिलेबस को पूरा करें। भाई जब 11th में जाएंगे तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन पढ़ लेंगे, हम अभी 9th में हैं, हमें जितना नॉलेज गेन करना है वो क्लास 9th के लिए गेन करना है। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि हमें मल्टीप्लीकेशन जानना है, हमको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर जानना है, हमको क्वाड्रिलेटरल लॉ ऑफ वेक्टर जानना है, तो मतलब आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो। आप कोशिश कीजिए कि जितना मेरा सिलेबस है उसको पूरा करें। देखो कहा भी जाता है कि 15 किताब पढ़ने से अच्छा है 1 किताब को 15 बार पढ़ना। तो आप अपने सिलेबस को लेकर के चलिए। देखिए अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है। भाई बता रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ये तुमको पढ़ना नहीं है, ये 11th क्लास का थ्योरी है, तो जब 11th में जाओगे तब उस समय पढ़ लेना, अभी क्यों तंग कर रहे हो, है ना। तो क्या मेरे सर पढ़ाए, भैया तुम्हारे सर महान है, हम लोग उतने महान नहीं है। ठीक, हम लोग उतने महान नहीं है। तो आप क्या करें कि वेक्टर को यही यहां पे बस इतना ही पढ़ना है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कहते किसको है। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड और एडिंग और सब्सट्रैक्शन ये सब अगर पढ़ना है तो आपको गलत क्लास में बैठे हुए हो, तुमको 11th क्लास के लेक्चर में ज्वाइन करना चाहिए, ये क्लास 9th का है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज विथ टाइम इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ साथ, है ना, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। T1 का मतलब वो पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, इसको ऐसे भी समझिए। अगर हम लोग 1:30 में T1 लिए हैं, 1:45 में T2 लिए हैं और 1:55 में हमने क्या किया, T3 लिया है, और अगर कंटिन्यू स्पीड बढ़ता जा रहा हो, मतलब समझिए अगर यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 29 मीटर पर सेकेंड है, तो कंटिन्यू आपका स्पीड बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक उसी तरीके से इसका उल्टा लीजिए, अगर यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 24 मीटर पर सेकेंड है और किसी कारण से यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाता है, तो ऐसे स्थिति को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक, अब 3 चीज से किसी के भी स्पीड को डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी किसी भी चीज के मोशन को 3 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, स्पीड के रूप में, वेलोसिटी के रूप में और एक्सेलरेशन के रूप में। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रूप में किसी भी चीजों के स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड क्या है सर, अब देखो ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां पे है, ये 2 पॉइंट है आपके लिए। यहां पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां पे आ गया है।
अब मान लो कि यहाँ पे ये 2:30 में था, यहाँ आने के बाद ये 3:20 में आया, ठीक। तो अब समझो कि जब ये अपना पोजीशन इनिशियल से फाइनल के पास पहुंचा होगा तो कुछ ना कुछ टाइम लिया है, देखो दोनों दो टाइम है, तो इसी दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन के रेशियो को, ये डिस्टेंस है आपका और ये देखो टाइम का गैप है, इस टाइम को निकालिए, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए और इसका अगर रेशियो निकाल दिया जाए यानी डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया जाए तो जो भी आपको आएगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पीड, ठीक। यानी कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को कैसे मापेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अगर किसी का डिस्टेंस यस है, टाइम टी है, स्पीड भी है, तो क्या होगा, वी इज इक्वल टू यस बाय टी, है ना। ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या है, वी है, डिस्टेंस क्या है, यस है, और टाइम जो है वो टी है, ठीक। अब देखो अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस को या तो आप मीटर में मापिएगा या किलोमीटर में मापिएगा, टाइम को या तो सेकेंड में मापोगे या फिर आवर में मापोगे, है ना। तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। हमेशा याद देना है, रखना है कि स्मॉलर यूनिट के साथ स्मॉलर यूनिट का यूज करेंगे जबकि लार्जर यूनिट के साथ लार्जर यूनिट का यूज करेंगे, ठीक। स्मॉलर यूनिट के साथ स्मॉलर यूनिट का यूज करेंगे और लार्जर यूनिट के साथ लार्जर यूनिट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक। अब हमको पढ़ना है एवरेज स्पीड, ठीक। तो एवरेज स्पीड को समझने के लिए क्या होगा, इसको ऐसे समझिए। देखो जब तुम साइकिल चलाते हो तो क्या होता है, शुरू में आपका एवरेज जो स्पीड होता है वो कम होता है, फिर रोड अच्छा मिल जाता है, ट्रैफिक नहीं होता है तो आप अपने मैक्सिमम स्पीड में होते हैं, फिर एकाएक रोड के बगल से वो कुत्ता क्रॉस कर गया तो तुम क्या करते हो, ब्रेक मारते हो। मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के बीच में आपका स्पीड हमेशा वैरी करते रहता है, ठीक। कहीं पे आपका है 5 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड और कहीं पे फिर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस सभी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या है कि आप टोटल डिस्टेंस को ले लीजिए, ठीक, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगा, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक, इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ठीक। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल इक्लिप्स टाइम, इक्लिप्स टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, और डिस्टेंस निकालने के लिए होता है स्पीड इंटू टाइम। ये तीन फॉर्मूला आप हमेशा रखिएगा, इसको ट्रायंगुलर फॉर्मूला ऑफ DST कहते हैं, है ना, DST, जहां D इज इक्वल टू डिस्टेंस है, S इज इक्वल टू स्पीड है और T इज इक्वल टू टाइम है, ठीक। और यहाँ पे इक्लिप्स टाइम को अगर नहीं याद रखना है तो आप सिर्फ टाइम याद रखिए, कोई दिक्कत। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये तीन फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे आगे चलने के बाद। चलिए अब एक आता है यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को कहते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड होता क्या है सर, देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जिस स्पीड पे अभी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, बिल ए मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत, तो आज के क्लास में हम लोग बात यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में मैं जब भी आप लोगों से जुड़ूंगा, है ना, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। इससे फायदा ही होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।